हेलो मैं ऑल लवली चिल्ड्रेन वेलकम यू ऑल इन अ कंप्यूटर सेशन चिल्ड्रेन आज का जो कंप्यूटर का लेक्चर है ये है क्लास थर्ड का कंप्यूटर का लेक्चर ठीक है चैप्टर टू हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर में द कंप्यूटर सिस्टम प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा आइए देखते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उसके बाद हमने हार्डवेयर के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ाई पढ़ा है ठीक है टाइप्स ऑफ हार्डवेयर इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड माउज जॉैस्टिक स्कैनर माइक्रोफोन प्रोसेसिंग डिवाइस आउटपुट डिवाइस मोनिटर प्रिंटर स्पीकर एंड हेडफोन्स प्लाटर ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ा है ठीक है इसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके प्ले में क्लास थर्ड की प्ले में ये लेक्चर आप देख सकते हैं क्योंकि अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखेंगे तो आप इससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आप लोग को हार्डवेयर के बारे में पता ही नहीं होगा फिर आप लोग सॉफ्टवेयर को कैसे कनेक्ट करेंगे ठीक है माय डियर चिल्ड्रन चलिए आज पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर ठीक है सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है पहले ये जान लेते हैं सॉफ्टवेयर इज़ द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच कैन नॉट बी टच्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है कंप्यूटर का एक भाग होता है जिसे हम छू नहीं सकते ठीक है हार्डवेयर को क्या हम टच कर सकते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते टू मेक द हार्डवेयर वर्क वी नीड टू हैव सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन इट अगर हम हार्डवेयर पे वर्क हार्डवेयर को वर्क में लाना चाहते हैं तो हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा ठीक है अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है कंप्यूटर का बॉक्स अगर आपने एक रख दिया उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो उस पर आप वर्क क्या करोगे ठीक है सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर क्या होता है बच्चों सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक सेट होता है प्रोग्राम या कमांड का एक सेट होता है टेल द कंप्यूटर हार्डवेयर हाउ टू ऑपरेट ये कंप्यूटर को बताता है कंप्यूटर हार्डवेयर की कैसे ऑपरेट होगा ठीक है इसमें ये सारे कमांड होते हैं वो सारे प्रोग्राम्स होते हैं किसमें सॉफ्टवेयर में ठीक है जिससे कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट किया जाता है यानी उस पर वर्क किया जाता है ठीक है बच्चों इट देयर फॉर कंट्रोल द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर और कंप्यूटर पे जो भी वर्क होता है वो इस पर कंट्रोल रखता है ठीक है चलिए देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दो टाइप के सॉफ्टवेयर मेन होते हैं यानी मुख्यतः दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ठीक है सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के ओवरऑल यानी कंप्लीट जो फंक्शन है जो काम हो रहा है उसको पूरा कंट्रोल करता है कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम इज टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म टू यूज द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कंप्यूटर का यूज करने के लिए ठीक है जिससे हम कंप्यूटर पे वर्क कर पाए कंप्यूटर का यूज कर पाए एक प्लेटफॉर्म है ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा होता है उसका एग्जाम्पल देख लीजिए विंडोज आजकल क्या विंडोज़ टेन लैपटॉप हम यूज़ करते हैं है, है ना ज़्यादातर क्या होता है विंडोज़ विंडोज़ वर्ड आप लोगों ने सुना होगा विंडोज़ टेन विंडोज सेवन ज़्यादातर यूज़ होते होंगे आप लोगों ने घर में भी सुना होगा विंडोज़ है ना जो भी कंप्यूटर यूज़ करता है तो विंडोज़ क्या है बच्चों ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल है विंडोज़ क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ऑल ओवर फंक्शनैलिटी को कम कंट्रोल करता है एक प्लेटफॉर्म होता है ठीक है ये देखिए ये ये जो है ये दिख रहा है ना आपको ये पूरा स्क्रीन पे ये जो है ये उसका सिंबल है क्या विंडोज़ सेवन है ठीक है एक प्लेटफॉर्म है ना जिस पे हम वर्क कई तरीके के एप्लीकेशन इस पर कई तरीके का वर्क करते हैं कई तरीके के एप्लीकेशंस होते हैं अलग अलग टाइप के ठीक है चलिए आगे देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आ गया मैं आप लोगों को बताऊँगी ठीक है और क्या क्या एग्जाम्पल विंडोज़ तो बहुत ही पॉपुलर है इसलिए मैंने आप लोग को डिटेल में बता दिया बाकी यूनिक्स लाइनक्स मैक ओएस आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के ही एग्जाम्पल हैं विंडोज इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ क्या है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक है बच्चों देयर आर मैनी वर्जन ऑफ विंडोज सच एज इसके कई सारे वर्जन हैं विंडोज़ के ठीक है जिसमें से विंडोज एक्सपी विंडोज विस्टा विंडोज सेवन विंडोज एट एंड विंडोज टेन यानी टाइम टाइम पे विंडोज का वर्जन अपडेट होके एक नया वर्जन आता है ठीक है बच्चों आइए देखते हैं ब्रेन बॉक्स में क्या है फिर पढ़ते हैं अप्लीकेसन सॉफ्टवेयर इवन मोबाइल फ़ोन्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनसाइड देम आप जो भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन जो घर में यूज़ होता है ना उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है अंदर ठीक है एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एंड्रॉयड आपका ये जो एंड्रॉयड हम लोग कहते हैं ना एंड्रॉयड फ़ोन है एंड्रॉयड क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक है चिल्ड्रेन एंड्रॉइड क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का ठीक है अब पढ़ेंगे कि अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है अभी तक हमने क्या पढ़ा है सिस्टम सॉफ्टवेयर अब हम क्या पढ़ेंगे अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ठीक है अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर दैट हेल्प अस इन डूइंग सम स्पेसिफिक वर्क ऑन अ कंप्यूटर अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हेल्प करता है कुछ स्पेसिफिक वर्क कंप्यूटर पे करने के लिए ठीक है विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से ठीक है यानी आप लोग को इंसॉर्ट में बता रही हूँ अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है कोई एक स्पेसिफिक वर्क के लिए बनाया जाता है ऐप यूज़ करते हैं ना आप लोग चलिए अच्छा आ गया है दीज आर इंस्टॉल्ड एंड यूज अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स इसको हम इंस्टॉल करते हैं इसका उपयोग करते हैं जैसी हमारी ज़रूरत होती है यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कई छोटे छोटे प्रोग्राम्स का एक स्पेसिफिक ऐप ऐप आप, आप, आप समझते हैं ना जो ऐप अलग अलग यूज़ करते हैं ये क्या है अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ठीक है एम एस पेंट एम एस ऑफिस एंड गेम्स आर सम सम्पल्स ऑफ अपलिकेशन सॉफ्टवेयर और अगर कंप्यूटर की बात करें तो एम एस पेंट हो गया एम एस ऑफिस हो गया गेम्स हो गया ये सब क्या है एग्जाम्पल है अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ठीक है एम एस पेंट क्या है इसमें हम पेंटिंग कर सकते हैं ड्रॉइंग कर सकते हैं ठीक है थीके? यानी इसी से रिलेटेड वर्क ऑनली इस पर हम कर सकते हैं एम एस पेंट पे ठीक है पिक्चर को एडिट कर सकते हैं ये सारा काम हम एम एस पेंट पे कर सकते हैं यानी एम एस पेंट एम एस पेंट जो है ये स्पेसिफिक एक टास्क के लिए बनाया गया है जिसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं ड्राइंग कर सकते हैं ये सारी चीज़ें ठीक है एम एस ऑफिस है इस पर हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं लेटर टाइप कर सकते हैं ठीक है एम एस ऑफिस इस पर ऑफिस वर्क भी होता है यानी ये डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए और डॉक्यूमेंट एडिट करना ये सारी चीज़ें क्रिएट करने के लिए एक एम एस ऑफिस बनाया गया यानी एक प्रोग्राम किसी एक स्पेसिफ़िक टास्क के लिए बनाया गया हो वो होता है अप्लीकेसन सॉफ़्टवेयर ठीक है और ये वर्क करता है किसकी हेल्प से सिस्टम सॉफ्टवेयर के सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है ठीक है एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर ये सारे छोटे छोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं उसकी मदद से ठीक है तो इसमें आप लोग कंफ्यूज़ मत होइएगा सम सम्लीकेसन सॉफ्टवेयर सच एज एम एस पेंट वर्ड पैड कैलकुलेटर कम विद विंडोज़ ठीक है विंडोज़ के साथ कुछ अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे एम एस पेंट हो गया वर्ड पैड हो गया कैलकुलेटर हो गया ये सब क्या है अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ठीक है अदर अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज फोटोशॉप एम एस ऑफिस टक्स पेंट नीड टू बी इंस्टॉल्ड सेपरेटली इन द कंप्यूटर इन सब की ज़रूरत पड़ती है अलग से इंस्टॉल करने की कंप्यूटर में अगर आपको ज़रूरत है तो एम एस ऑफिस हो गया फोटोशॉप हो गया इन सब की आपको ज़रूरत है तो आप कंप्यूटर में इसे इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ़्टवेयर एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होइएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क करता है ठीक है यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म होता है एक पूरा जिसके अंदर ये छोटे छोटे ऐप वर्क करते हैं यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है एक पार्ट है छोटा सा ठीक है जैसे एक स्काई है पूरा उसमें छोटे छोटे स्टार्स हैं ठीक है तो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये क्या है ये छोटे छोटे स्टार्स हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरा स्काई है ठीक है समझ आया आप लोगों को ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कभी कन्फ्यूज मत होइएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी पूरा होल स्काई और अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी ये छोटे छोटे स्टार्स जो उसके अंदर दिखाई देते हैं ठीक है थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी और हाँ बच्चों प्रीवियस जो लेक्चर है उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा ठीक है एक भी लेक्चर आप लोग मिस मत करिएगा ठीक है बच्चों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए बाय हैव अ गुड डे